हेलो दोस्तों, सिंगला क्लासेस हनुमानगढ़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। बहुत से विद्यार्थी एग्ज़ाम के लगातार बाद में मुझसे पूछ रहे थे कि सर, इस एग्ज़ाम में आपका क्या स्कोर रहा और आपकी क्या रैंक आने की उम्मीद है, क्या आपका सिलेक्शन इस जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती में हो सकता है या नहीं। तो मैं आज काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपके सभी सवालों के मैं बारी बारी से जवाब देने वाला हूँ। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम जिन बातों पर चर्चा करने वाले हैं वह है कि जूनियर अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में मेरा कितना स्कोर रहा या मेरी क्या संभावित रैंक आ सकती है, या फिर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है कि संभावित कट ऑफ कितनी जा सकती है जूनियर अकाउंटेंट के एग्ज़ाम की। यह सवाल भी बहुत से विद्यार्थियों ने मुझसे पूछा था, तो आज मैं बारी बारी से इन सभी बातों पर चर्चा करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज अपने देखेंगे कि हम इसमें किन किन सवालों को कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो बहुत से विद्यार्थी वो मेरे से ये लगातार पूछ रहे थे कि सर, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में मेरे कितने मार्क्स आए हैं। तो इस सवाल का जवाब भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसके अलावा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में मेरे कितने अलग अलग मार्क्स आए हैं और एग्रीगेट मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं, और इसके अलावा मैंने एग्ज़ाम के दौरान कौन कौन सी गलतियां की, और क्या मेरा सिलेक्शन इस जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती में हो जाएगा, और मेरी कौन सी संभावित रैंक आने की संभावना है, यानी इस भर्ती में मेरी कौन सी रैंक आने की मुझे उम्मीद है। इसके अलावा प्रश्न डिलीट होने के बाद मेरा क्या स्कोर रहेगा। तो दोनों स्कोरों पे चर्चा करेंगे एग्ज़ाम से, एग्ज़ाम के दौरान और उसके बाद जब ऑफिशियल आंसर की आई थी उसके बाद जो प्रश्न डिलीट होंगे उसके बाद मुझे मेरा स्कोर क्या रह सकता है। इसके अलावा अपने जिन सवालों पे चर्चा करेंगे वो है मैंने किस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया था और मेरा सीईटी में क्या स्कोर रहा था। तो बहुत से विद्यार्थी मुझसे यह भी सवाल पूछ रहे थे कि सर, आपका सीईटी में क्या स्कोर रहा था। और इसके अलावा मैंने जो फर्स्ट प्रेफरेंस भरनी थी जो टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट में से, उसमें मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस किसे भरा है और क्यों भरा है, इस सवाल का जवाब भी मैं आपको देने वाला हूँ। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जो बहुत से विद्यार्थी मुझसे लगातार पूछ रहे थे कि सर, इस एग्ज़ाम की फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, तो इन 10 सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ अंत तक बनिए रहिए और आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो जो भी विद्यार्थी मुझसे पूछ रहे थे कि सर, आपका इस जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती में कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, तो उन पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो पेपर फर्स्ट था जनरल पेपर, जिसमें साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी ये सब्जेक्ट आते हैं, इसमें मैंने टोटल 150 प्रश्न में से 104 प्रश्न सही हुए थे, 27 प्रश्न मेरे गलत हुए थे और 19 प्रश्न ऐसे थे जो मैंने छोड़े थे। यानी कि एग्ज़ाम में इसमें पेपर का पैटर्न थोड़ा अलग टाइप से आया था, जैसे IAS या RAS के एग्ज़ाम में पैटर्न आता है ए और बी सही है, बी और सी सही है, इस तरीके से पैटर्न आया था। पेपर कोई बहुत ज़्यादा ईजी नहीं कह सकते और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं कह सकते, एक मॉडरेट लेवल का पेपर आया था इसमें। तो इसमें मेरे जो पेपर फर्स्ट में मेरे 104 प्रश्न सही हो रहे हैं, 27 प्रश्न मेरे गलत हो रहे हैं और 19 प्रश्न ऐसे हैं जो मैंने छोड़े। तो 104 में से अगर नेगेटिव मार्किंग के 27 क्वेश्चन का 1/3 के हिसाब से 9 नंबर अगर काट दिए जाएँ तो मेरे लगभग 95 क्वेश्चन बाकी बचते हैं, और 95 क्वेश्चन में 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो टोटल 285 मेरे मार्क्स है फर्स्ट पेपर में, और मेरे जो परसेंटेज हैं वो फर्स्ट पेपर में है 63.33%। ठीक है, यानी कि मेरे जो फर्स्ट पेपर में जो नंबर आए हैं 285 आए हैं 450 नंबर में से, यानी 60% से ऊपर नंबर आए हैं मेरे, लगभग फर्स्ट डिवीजन आप मान सकते हो। और जो सेकंड मेरा पेपर था कॉमर्स पेपर था, जिसमें इकोनॉमिक्स था, GF&AR था, RSR था,
और बिजनेस मैनेजमेंट था, अकाउंटेंसी थी, जो कॉमर्स का पोर्शन था उसमें मेरे थोड़े कम क्वेश्चन सही हुए हैं, लगभग 90 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं। ये सभी स्टूडेंट मान रहे हैं कि ये पेपर बहुत ही टफ आया था। जो सेकंड पेपर है वो फर्स्ट से भी टफ पेपर आया था, बहुत ज़्यादा टफ था बहुत से स्टूडेंट्स का, तो इसमें पेपर भी पास नहीं हुआ है। तो मेरे जो सही प्रश्न थे इसमें 90 प्रश्न मेरे सही हुए हैं, 150 में से 30 प्रश्न ऐसे थे जो मेरे गलत हुए हैं, और 30 प्रश्न ऐसे थे जो मैंने छोड़े या फिर टाइम की कमी की वजह से कुछ प्रश्न तो मेरे सीधे ही छूट गए। 15 प्रश्न तो मेरे लाइन वाइज एक एक लाइन से ही छूट गए बिल्कुल लास्ट लास्ट में, तो वो प्रश्न तो मैं देख भी नहीं पाया लास्ट में जो प्रश्न थे, क्योंकि पेपर में टाइम कम रह गया और टाइम बचा नहीं पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, और पेपर का मैनेजमेंट ढंग से हुआ नहीं। कुछ प्रश्नों पे मैंने ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लगा दिया, इसकी वजह से मेरे कुछ प्रश्न छूट गए, लगातार 15 प्रश्न छूट गए। वो मैं आगे आपको मैं अपनी ओमार शीट भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से मेरे लगभग 15 प्रश्न लगातार छूट गए हैं। तो इसमें मेरे 90 क्वेश्चन सही थे, जिसमें अगर 30 क्वेश्चन गलत हैं, अगर 1/3 नेगेटिव मार्किंग करें तो लगभग 10 क्वेश्चन कट जाएंगे इसमें से, और 80 क्वेश्चन बचेंगे। तो 80 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन 3 नंबर का, 240 नंबर मेरे बनते हैं, और 240 नंबर अगर परसेंटेज में देखें तो 53.33% नंबर बने हैं। उस हिसाब से मानता हूँ कि नंबर मेरे हिसाब से तो कम ही रहे, क्योंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मेरे बीकॉम की हुई है, एमकॉम की हुई है, इतने साल मैंने पढ़ाया भी है कॉमर्स फील्ड में, तो उस हिसाब से देखता हूँ तो मेरे नंबर कम ही है इस हिसाब से, क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए कॉमर्स का जो पोर्शन है वो स्कोरिंग होता है, तो मेरे कम से कम 70% के आसपास इस पोर्शन में नंबर आने चाहिए थे जो कि नहीं आए। तो इसमें मेरे लगभग 240 नंबर आए हैं 450 में से, और एग्रीगेट मार्क्स की बात करें तो मेरे टोटल दोनों पेपरों को मिलाकर 194 प्रश्न सही हुए हैं, 57 प्रश्न मेरे गलत हुए हैं, 49 प्रश्न मैंने छोड़े हैं, और मेरे जो मार्क्स बन रहे हैं एग्रीगेट वो 555 नंबर बन रहे हैं 900 में से, 900 नंबर का टोटल पेपर था उसमें से मेरे 525 नंबर बन रहे हैं। और अगर परसेंटेज की बात करें तो 58.33% मार्क्स मेरे बन रहे हैं दोनों पेपर्स को मिलाकर। अब अगले सवाल पर चलते हैं अपने, कि मैंने एग्ज़ाम के दौरान कौन कौन सी गलतियाँ की। तो मेरे जो नंबर हैं वो 58.33% बन रहे हैं, जबकि बहुत से स्टूडेंट के 60% से अबव नंबर आए हैं। उस हिसाब से मैं देखता हूँ तो मेरे नॉलेज के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये नंबर काफ़ी कम है, तो मैं मानता हूँ कि इसमें मेरी कई कमियाँ रही पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम। वो कौन कौन सी गलतियाँ रही जिनसे आप सबक ले सकते हो, और आप भी उन गलतियों से सबक लेके आप अपने पर्सनैलिटी में सुधार कर सकते हो और अपने आने वाले एग्ज़ाम में ये गलतियाँ करने से बच सकते हो। तो गलतियों की बात करते हैं कि कौन कौन सी गलतियाँ जो मैंने एग्ज़ाम के दौरान की। तो पहला मेरी गलती ये रही कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, मेरे दोनों ही पेपर का सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं था, पेपर फर्स्ट का और पेपर सेकंड का, दोनों ही पेपर का मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, जबकि लोगों ने तो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रिवीजन भी कई बार कर लिया था और कई बार टेस्ट भी दे चुके थे, ना ही मेरी टेस्ट प्रैक्टिस को इतनी हो पाई थी क्योंकि मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाया था टाइम पे। उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे मार्क्स फिर भी चलो ठीक आए हैं, और जिन स्टूडेंट्स के सिलेबस कंप्लीट थे उनके भी नंबर का बहुत कम आ रहे हैं कई जनों के तो, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो मेरा कमी रही वो कि जनरल पेपर में मैंने केवल 6 दिन ही पढ़ाई की, जनरल पेपर को मैंने बहुत ही लाइटली लिया, जबकि जनरल पेपर में मैं काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर सकता था। जिस हिसाब से मैं लगभग 14 सालों से कंपटीशन एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ हूँ, तो जनरल पेपर मेरे लिए काफ़ी स्कोरिंग था, बहुत से बच्चों ने जनरल पेपर में बहुत ज़्यादा स्कोर किया है, लगभग मेरे जैसे 63% है, तो बहुत से स्टूडेंट्स ने 70% से ज़्यादा स्कोर किया है जनरल पेपर में। तो ये भी मेरा एक वीक पॉइंट रहा, क्योंकि इस पेपर को मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया। मैंने सोचा कि चलो सेकंड पेपर को ध्यान से करते हैं, अगर सेकंड पेपर ही पास ना हुआ तो फर्स्ट पेपर में जितने मर्जी नंबर ले आओ कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए मैंने पूरा टाइम सिर्फ सेकंड पेपर को ही दिया था, जनरल पेपर को फर्स्ट पेपर को मैंने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, सिर्फ 6 दिन का टाइम दिया था जो भी एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले। तीसरी मेरी कमी ये रही कि मैंने वीडियो कोर्स से पहले नोट्स को पढ़ना शुरू कर दिया।
दोस्तों इस एग्जाम में मेरी तीसरी कमी ये रही कि लोग वीडियो कोर्स कंप्लीट करने के बाद नोट्स पढ़ते हैं, और मैंने पहले नोट्स पढ़ने शुरू कर दिए। और जब मैंने वीडियो कोर्स पढ़ा तक आया तो मेरे वो पुराने नोट्स बिल्कुल जो मैंने पढ़े थे उनका मुझे कोई खास बेनिफिट नहीं मिला। वो चीज़ें मेरे दिमाग से स्किप हो गई, वो चीज़ें मेरे मेमोरी से डिलीट हो गई, और तो उसका मुझे कोई खास बेनिफिट नहीं करता नहीं मिला। अगर मैं वीडियो कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर नोट्स पढ़ता तो मुझे इसका काफ़ी बेनिफिट मिलता। अगर नोट्स की बात करूँ तो मैं बूस्टर एकेडमी के जो कपिल चौधरी सर के नोट्स थे वो मैंने पढ़े थे, हालांकि पूरे नोट्स तो मैं नहीं पढ़ पाया, तो 6 किताबों में से कम 3 किताबें मैंने कंप्लीट कर दी थी। मैंने उसमें आर एस आर, GFNDR और बिजनेस मैनेजमेंट, और ऐसे करके 3-4 सब्जेक्ट ही मैंने कवर किए थे और नोट्स के थ्रू। उसके बाद अगली कमी मेरी ये रही कि कुछ प्रश्नों में ज़्यादा समय लगाना। मैं कुछ प्रश्नों को लेकर बैठ गया सेकंड पेपर में, जिसकी वजह से मेरे जो क्वेश्चन मुझे आते थे वो प्रश्न भी मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती रही कि हर प्रश्न का वेटेज समान होता है, हर प्रश्न के 3 ही नंबर थे, तो हर प्रश्न को टाइम भी बराबर ही देना चाहिए, जबकि मैंने कई प्रश्नों में बहुत ज़्यादा टाइम खराब कर दिया, जिसकी वजह से जो क्वेश्चन मुझे आते थे वो भी मेरे छूट गए। ये आगे की अपनी मैं उमर शीट दिखाऊंगा कि किस तरीके से लगातार मेरे 15 प्रश्न छूट गए थे। उसके बाद 2 प्रश्न आते हुए भी मेरे गलत हो गए। दोस्तों एग्ज़ाम का प्रेशर क्या चीज़ होती है ये मैंने आंसर की मिलाने के बाद मुझे पता लगा कि 2 प्रश्न, एक प्रश्न मेरा फर्स्ट पेपर में और एक प्रश्न मेरा सेकेंड पेपर में, मेरे आते हुए भी गलत हो गए। तो यानी इससे मुझे काफ़ी नुकसान हुआ, यानी 2 प्रश्नों का मुझे 3 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 6 नंबर का ये नुकसान हो गया, प्लस जो 2 क्वेश्चनों का नेगेटिव मार्किंग हो गई यानी कि 8 नंबर का मेरा नुकसान हो गया, यानी 1% का। यानी जो मेरे नंबर अभी 58.33% हैं वो नंबर मेरे होते 59.33%। दोस्तों कंपटीशन एग्ज़ाम में तो एक एक नंबर का बहुत महत्व होता है, तो इस हिसाब से मैं देखता हूँ कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती की इस एग्ज़ाम में। चलिए मेरे इन गलतियों से उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत कुछ सीखे होंगे और आप भी इनको अपने आने वाले एग्ज़ाम में इस्तेमाल करेंगे, इन गलतियों से सबक लेंगे। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन जो ज़्यादातर स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे हैं कि सर क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कि आपका सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में हो सकता है कि नहीं, तो मैं बता देता हूँ कि देखो बाकी तो कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है कि कट ऑफ क्या जाती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो कोचिंग एकेडमी वाले हैं वो 55% के आसपास मेरिट बता रहे हैं कि जनरल पेपर जनरल कैटेगरी की 55% मेरिट जाएगी, तो उस हिसाब से मेरे 3% मार्क्स फालतू है इससे, 58.33 है, तो इस हिसाब से मैं काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड में हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन इस भर्ती में हो जाना चाहिए, बाकी तो भगवान को पता है कि आजकल कई एग्ज़ाम की बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ चली जाती है। जैसे मैं बात करूँ अभी RS प्री भर्ती की, अभी हाल ही में ज़्यादातर बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट ने क्वालिटी एजुकेशन 84 नंबर की मेरिट बताई थी, लेकिन मेरिट 100 से भी ज़्यादा चली गई। तो ऐसे कोई अगर ऐसी अनहोनी होती है तो अपने कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जहाँ तक मैं उम्मीद मानकर चल रहा हूँ कि मेरा इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाना चाहिए। उसके कुछ रीज़न है कि ये कट ऑफ कम जाने के क्या रीज़न है, उसके कुछ रीज़न भी रहे हैं इस एग्ज़ाम के, तो उन पे भी चर्चा कर लेते हैं कि इस भर्ती में मेरिट कम क्यों जाएगी। तो इसमें मेरिट कम जाने का पहला रीज़न मुझे लगता है कि CET में कॉमर्स स्टूडेंट बाहर हो गए। दोस्तों जो CET का एग्ज़ाम था ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए अभिशाप बनकर आया था, और बहुत से विद्यार्थियों का CET भी क्वालिफाई नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो सीधा रेस से बाहर हो गए, वो एग्ज़ाम में बैठ भी नहीं पाए, उनको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया गया क्योंकि उनके नंबर कट ऑफ को टच नहीं कर रहे थे, कट ऑफ क्रॉस नहीं कर रहे थे। तो इस वजह से मेरे भी बहुत से जानकार दोस्त हैं जो कॉमर्स पोर्शन जिनका बहुत मजबूत था, रैंक होल्डर्स हैं, लेकिन वो फर्स्ट पेपर जो CET का पेपर था वो उनका क्वालिफाई नहीं था, इस वजह से बाहर हो गए। तो ये सबसे मेजर इफेक्ट करेगा जो कट ऑफ को, कि कट ऑफ कम जाएगी इस वजह से। दूसरा कट ऑफ कम जाने का रीजन है कि प्रश्न है वो सीक्वेंस में नहीं थे, सब्जेक्ट वाइज नहीं थे, बीच बीच में कोई
अकाउंट का क्वेश्चन आ रहा था, कभी इकोनॉमिक्स का आ रहा था, कभी आरएसआर का आ रहा था। इस वजह से भी स्टूडेंट काफ़ी पजल हो गए, वो उनका एक फ्लो नहीं बना एग्ज़ाम को हैंडल करने का, और इस वजह से भी ये इसमें मेरिट कम जा सकती है। तीसरा रीज़न है कि फर्स्ट प्रश्न टाइम टेकिंग थे। दोस्तों पिछली बार जो भर्ती हुई थी 2016-17 में जूनियर अकाउंटेंट की, उसके बिल्कुल सीधे सीधे सिंपल प्रश्न थे, वन लाइनर प्रश्न थे, देखते ही उत्तर पता लग रहा था। लेकिन इस बार प्रश्न बहुत ही पढ़ने में भी टाइम लग रहा था, फिर उनको जैसे RSP में होता है ए और बी सही है, बी और सी सही है, इस तरीके से काफ़ी उलझा रखा था, काफ़ी लेंथी पेपर बना रखा था। उस हिसाब से लगता है कि इसकी मेरिट कम रहनी चाहिए। चौथा रीज़न है कि इसके जो प्रश्न है वो IS RS पैटर्न पर थे, जैसे IS RS पैटर्न में होते हैं ए और बी सही है, बी और सी सही है, तीनों सही है, लगभग इस तरीके से ज़्यादातर प्रश्न पूछ रखे थे, जिसमें बच्चों का काफ़ी टाइम कंज्यूम हो रहा था और बहुत से विद्यार्थियों का तो पेपर भी टाइम अटैम्प्ट नहीं हो पाया, बहुत से प्रश्न छूट गए। बहुत बहुत से विद्यार्थियों तो 10% जो गोले काले करने होते हैं, यानी गोले काले करने अनिवार्य होते हैं, वो भी छूट गए बहुत से विद्यार्थियों के, तो यानी 10% से भी ज़्यादा गोले छूट गए उनकी। और तीसरी बार इस भर्ती में जो नया पैटर्न आया था कि सभी गोले भरने अनिवार्य हैं, इसमें भी विद्यार्थियों को काफ़ी पजल हो गए, काफ़ी टाइम कंज्यूम हुआ विद्यार्थियों का, जिस वजह से उनका ये एग्ज़ाम रह गया बहुत से विद्यार्थियों का, और ये कट ऑफ कम जाने का एक रीज़न हो सकता है। और तीसरा रीज़न है कि पेपर की तैयारी के लिए समय कम मिलना। दोस्तों इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बहुत से विद्यार्थियों को बहुत ही कम समय मिला है, और मैं मानता हूँ कि उनको इस एग्ज़ाम को जैसे कट ऑफ एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले ही वो 15 गुना की कट ऑफ जारी की गई थी, और एग्ज़ाम में कौन बैठने वाला ये पता ही नहीं था, तो बहुत से विद्यार्थी इस असमंजस में थे और उनकी तैयारी नहीं हो पाई इस वजह से। चलिए अगले अपने स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला जो विद्यार्थी मुझसे पूछ रहे थे सर कि इस एग्ज़ाम में आपकी कौन सी रैंक आने की संभावना है, तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम मेरा सेकंड पेपर है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, इस वजह से मेरी रैंक है वो बहुत ही डाउन चलेगी, बहुत ही कम रैंक आएगी इस वजह से, और यहाँ तक कि पेपर भी पास हो जाए तो वो भी बड़ी बात है। और क्योंकि लास्ट में सेकंड पेपर में मेरे 15 प्रश्न लगातार ही छूट गए, टाइम कम पड़ गया और बड़ी मुश्किल से मैं उसमें पासिंग मार्क ला पा रहा हूँ, तो इसमें मेरी रैंक आना तो मुझे मुश्किल लग रहा है। और वैसे भी अगर रैंक आएगी तो लगभग 1400-1500 के आसपास आने की उम्मीद है, और हो सकता है कि मेरे सिर्फ पासिंग मार्क ही आए, रैंक कोई आए भी ना, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर रैंक ना आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं मेरे, तो मेरा जो सेकंड पेपर था उसमें मेरे 15 प्रश्न तो लगातार ही छूट गए लास्ट में, जो रैंक डिसाइड कर सकते थे मेरी, क्योंकि उसमें से अगर 5-10 प्रश्न भी मैं अटेम्प्ट कर लेता तो मेरी काफ़ी अच्छी रैंक आ सकती थी, लेकिन उनको मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया तो रैंक इस वजह से डाउन आएगी। और ये आगे मैं अपनी ओमर शीट भी दिखाने वाला हूँ कि ये कैसे लगातार मेरे 15 प्रश्न छूट गए लगातार। उसके बाद दूसरा है कि पेपर समय पर पूरा ना होना, मेरा पेपर जो था वो समय पर पूरा नहीं हो पाया और टाइम कम रह गया, कई प्रश्नों में मैंने ज़रूरत से ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर दिया। और तीसरा रीज़न है कि सिलेबस पूरा ना होना, और तीसरा रीज़न ये भी है कि मेरा दोनों पेपर का ही सिलेबस कंप्लीट नहीं था, और इस वजह से भी मेरी रैंक डाउन जाएगी। क्योंकि दोस्तों मेरा खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें भी 100 तरह के काम होते हैं, सारा दिन उन कामों में उलझा रहता हूँ, पढ़ाई के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता, जितना एक फ्रेश स्टूडेंट को मिलता है उतना टाइम मुझे नहीं मिला, तो इस वजह से भी मेरी रैंक डाउन जाएगी। और चौथा रीज़न है प्रश्न काफ़ी मात्रा में गलत हो जाना, तो मेरे काफ़ी प्रश्न गलत हो गए, लगभग सेकेंड पेपर मेरे 30 प्रश्न गलत हुए हैं, और जिससे 10 प्रश्न का नेगेटिव हो गया है, तो ये भी एक बड़ा रीज़न है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो ये देखिए ये मेरे सेकंड पेपर की, ये जो मेरा सेकंड पेपर की ओमार शीट है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये लगातार
133 प्रश्न से अगर लगे तो ये लगातार देखिए किस तरीके से लगातार मैंने ई ऑप्शन भर रखा है, यानी ये प्रश्न मेरे लगातार छूट गए हैं। यानी 136 से, तो ये देखिए 136 से लगातार प्रश्न मेरे 15 प्रश्न लगातार छूट गए हैं। तो ये भी एक बड़ा रीज़न रहा कि मेरी रैंक इसमें नहीं बन पाएगी इस एग्ज़ाम में। चलिए, अगर सिलेक्शन हो भी जाता है तो वो भी बड़ी बात है। आजकल सरकारी जॉब हासिल करनी बहुत बड़ी कठिनाई का काम है। उसके बाद बात करते हैं कि प्रश्न डिलीट होने के बाद मेरा क्या स्कोर रह सकता है। तो दोस्तों, प्रश्न डिलीट होने के बाद काफ़ी मात्रा में प्रश्न डिलीट होंगे, जिससे सभी के लगभग नंबर बढ़ने की संभावना है। तो मेरे इसमें 1 से 2% नंबर बढ़ सकते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे 58.33% मार्क्स हैं, और जब मार्क्स बढ़ेंगे तो लगभग 59.33 या फिर 60.33 तक जाने की संभावना है। उसके बाद आगे चलते हैं कि मैंने बहुत से विद्यार्थी ये भी पूछ रहे हैं, सर आपने किस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने EWS कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। तो मेरे कई लगभग मैंने 100 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम दिए हैं, तो मेरा बैड लक रहता है हमेशा ही एग्ज़ाम में। मेरे बिल्कुल नज़दीक में जाके मैं रह जाता हूँ, बिल्कुल आधे पॉइंटों से, 1 नंबर से, आधे नंबर से। तो इस वजह से मैंने EWS से इस बार फॉर्म अप्लाई किया है, ताकि मेरा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सके। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि 100 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम बिल्कुल कट ऑफ के नज़दीक जाकर मैं रह रहा हूँ, इस वजह से मैंने EWS से अप्लाई किया था। और बहुत से विद्यार्थी मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि सर आपका CET में क्या स्कोर रहा था। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो कट ऑफ गई थी जूनियर अकाउंट की, लगभग 155 नंबर के लगभग गई थी, और मेरे जो मार्क्स आए हैं इसमें 168 नंबर थे, और लगभग मेरे 13 मार्क्स ज़्यादा थे कट ऑफ से। या आप मान सकते हैं कि लगभग एक प्रश्न 3 नंबर का है, तो लगभग 4 प्रश्न मेरे कट ऑफ से ज़्यादा थे। यानी कट ऑफ से लगभग 4 प्रश्न मेरे ज़्यादा सही हुए थे। मेरा जो ओरिजिनल स्कोर था 174 था 300 में से। उसके बाद स्केलिंग हुई, नॉर्मलाइजेशन हुआ, तो नॉर्मलाइजेशन में मेरे 6 नंबर कट गए थे। लास्ट शिफ्ट थी मेरी एग्ज़ाम की, तो इस वजह से मेरे 6 नंबर कटने के बाद 300 में से 168 नंबर मेरे बचे थे, 56% के आसपास। और जो कट ऑफ गई थी वो लगभग 52% के आसपास गई थी। तो इसमें तो मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल आराम से मैं पास हो रहा था। और हालांकि जहाँ सिर्फ 4 प्रश्नों का ही फ़र्क रहा था, अगर देखा जाए तो 4 प्रश्न अगर गलत हो जाते तो हो सकता है मैं भी ये एग्ज़ाम ना दे पाता। उसके बाद बहुत से विद्यार्थी ये भी पूछ रहे थे कि सर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे कौन सी पोस्ट भरी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे जूनियर अकाउंटेंट भरा था, और सेकंड प्रेफरेंस पे मैंने TRA भरा था। और फर्स्ट प्रेफरेंस पे मेरा जूनियर अकाउंटेंट भरने का रीज़न ये रहा कि मैं फॉर्म भरने से पहले काफ़ी रिसर्च कर रहा था कि कौन सी पोस्ट बेटर है, लेकिन मुझे पता लगा कि दोनों ही पोस्ट बेटर है। लेकिन TRA में क्या है कि अपने को तहसील मुख्यालय दिया जाता है, और कल को हो सकता है कि अपने को तहसील मिले, तो हो सकता है अपने घर से काफ़ी दूर अपनी पोस्टिंग हो। तो मैं अपने घर के पास में ही रहना चाहता था, इसलिए मैंने जूनियर अकाउंटेंट से फर्स्ट प्रेफरेंस रखी है। और इसका रीज़न था कि मैं घर के बिल्कुल नज़दीक में पोस्टिंग चाहता था, इस वजह से मैंने जूनियर अकाउंटेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा था। उसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं अपने। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो ज़्यादातर स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर फाइनल कट ऑफ आपके मुताबिक क्या रह सकती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से जो फाइनल कट ऑफ है वो 52% से लेकर 56% के आसपास रह सकती है। और बहुत से विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि सर कट ऑफ तो बहुत कम रहेगी, बहुत से विद्यार्थियों का पेपर ख़राब हुआ है, अटैम्प्ट नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि इतनी कम भी रहने की उम्मीद नहीं है। बहुत से विद्यार्थी 48% कह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से नहीं लगता कि 48% मेरिट जाने वाली है। क्योंकि आजकल पढ़ने के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, यूट्यूब पर बहुत से टीचर फ्री पढ़ा रहे हैं। तो आजकल बच्चों के लिए पढ़ने के लिए मैटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो इतनी कम मेरिट जाने की संभावना मुझे नहीं लग रही।
फिर भी पेपर की डेट भले ही एग्ज़ाम से दो दो 3 महीने पहले बताई हो, लेकिन फिर भी ये जो एग्ज़ाम है ये पिछले 2-3 सालों से शेड्यूल था वो आगे के आगे बढ़ता जा रहा था, तो इस वजह से बहुत से विद्यार्थी तैयारी भी कर रहे थे इसकी। तो मेरे हिसाब से जो जनरल की कट ऑफ रहेगी वो 52 से 56% के बीच में, ओबीसी की 52 से 55%, ईडब्ल्यूएस की 52 से 54%, SC/ST की 45 से 50%, ST की 44 से 49%, MBC की 48 से 50%, और ME कैटेगरी की 42% के आसपास रहने की संभावना है। बाकी ये मेरे अनुमान ही है, इनसे कट ऑफ कुछ भी जा सकती है, मैं इसके लिए कोई दावा नहीं करता, लेकिन ये मेरा एक अनुमान है कि कट ऑफ इसके आसपास रह सकती है। और दोस्तों एक लास्ट में आपके लिए मैसेज है कि आप हमारी ऐप है सिंगला क्लासेज रामगढ़ के नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जिसमें आपके लिए राजस्थान जीके के और हिंदी के फ्री टेस्ट आपको अवेलेबल करवाए गए हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले 3 डॉट पे ऐप डाउनलोड करनी है, रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करके फ्री टेस्ट में जाना है। वहाँ पे आपको राजस्थान जीके और हिंदी के बिल्कुल फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, और ये लगभग ऐसा सब्जेक्ट है लगभग हर एक राजस्थान के एग्ज़ाम में काम आता है। हिंदी की बात करें तो SI के एग्ज़ाम में काम आती है, और राजस्थान जीके तो लगभग हर ऐसा कोई अछूता एग्ज़ाम नहीं है राजस्थान का जिसमें राजस्थान जीके ना पूछी जाए। तो ये बिल्कुल फ्री में टेस्ट अवेलेबल है, इनका आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आप कोई कोर्स भी अगर ख़रीदना चाहते हैं हमारी ऐप से तो लगभग 50 से ज़्यादा कोर्स हमारी ऐप पर अवेलेबल हैं, आप ज़रूर उनको स्क्रॉल कीजिए, उनका डेमो चेक कीजिए, और आपको अगर कोर्स पसंद आए और टेस्ट सीरीज पसंद आए तो आप ज़रूर उसमें एनरोल होइए, उस टेस्ट सीरीज को आप ख़रीद सकते हैं। और इसमें ऑनलाइन सारे कोर्सेज, काफ़ी कोर्सेज अवेलेबल हैं, और सारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं, पशु ब्रीचर की टेस्ट सीरीज, LDC की टेस्ट सीरीज, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल नाम मात्र की फ़ीस में अवेलेबल है। और उनमें कई फ्री डेमो टेस्ट भी अवेलेबल है, आप टेस्ट देखकर टेस्ट की क्वालिटी चेक कर सकते हैं ख़रीदने से पहले। और इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल है सिंगला क्लासेज हनुमानगढ़ के नाम से, इसे भी आप ज़रूर ज्वाइन करें, इसमें भर्ती से रिलेटेड लगभग हर अपडेट मैं इस चैनल पर डालता रहता हूँ। कोई भी PDF नोट्स हो गए, कोई भी सभी तरीके के नोट्स है, हर ज़रूरी चीज़ जो एक प्रतियोगी विद्यार्थी को चाहिए होती है वो मैं इसमें अपलोड करता हूँ। तो आप इस टेली हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका संशय हो, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। और आप अपने आपके क्या क्या मार्क्स आए हैं, आप अपना नाम, आपकी कैटेगरी और आपके मार्क्स ज़रूर मुझे शेयर करें। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई ऐप से रिलेटेड कोई दिक्कत हो या कोई कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मैंने लगभग आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए हैं, सभी सवालों के आपके जवाब दे दिए, और इसी विश्वास के साथ मैं आपसे अलविदा कहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आगे मैं फिर इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लगातार लाता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।